हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फीलिंग फूडीज। आज मैं आपके साथ क्रीमी टेक्सचर वाली रायते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम शादियों में बहुत शौक से खाते हैं। रायते के बिना हर टेस्ट इनकम्प्लीट होता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रायता बनाने के लिए हम यहाँ एक बर्तन ले लेंगे। अब हम इसमें 250 ग्राम दही ऐड करेंगे और साथ ही में थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। अब हम दही को बीटर या रई जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और दही को अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद हम एक प्याज बारीक कटी हुई ऐड करेंगे और साथ ही दो हरी मिर्ची बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हम एक टीस्पून नमक ऐड करेंगे और साथ ही एक चौथाई टीस्पून कश्मीरी मिर्च। इसको मैं कलर का फ्लेवर देने के लिए डाल रही हूँ, जिससे हमारा रायता और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। अब एक चौथाई टीस्पून जीरा पाउडर और एक चौथाई टीस्पून रायता मसाला ऐड करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ बूंदी ऐड करूँगी। बूंदी को मैंने पहले ही नॉर्मल पानी में भिगो कर रख दिया था। अब हम इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अपने दही में ऐड करेंगे। अब मैं थोड़ी सी बूंदी और ऊपर से डाल दूंगी, इससे हमारा रायता और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब मिक्स कर लेंगे इन तीनों को। अब हम अपने रायते को सर्व कर लेंगे एक बाउल में। अब हम हरी मिर्ची, धनिया पत्ती और थोड़ी सी लाल मिर्च से गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं, हमारा शादियों वाला क्रीमी टेक्सचर का बूंदी का रायता बनकर तैयार हो चुका है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।